जी, हमने आपसे कहा था कि हम आपके साथ हैं सुनो डिजिटल चैनल पर, ये यूट्यूब की चैनल है। तो आज का प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो हमारी मशहूर और मकबूल और बहुत ही मायानाज अदाकारा सबीहा खानुम के नाम है। उनकी ज़िंदगी की बहुत सी बातें हमने आपको बताई, उनके फिल्मों से मुतालिक बताया कि 202 फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें से 47 फिल्में वो और उनके मियाँ संतोष कुमार साहब ने हीरो हीरोइन के तौर पर वो की, और बहुत ही पॉपुलर ये जोड़ी थी और आखिर तक ये रही। संतोष साहब जब पहले भी ब्याह हुए थे, जमीला उनकी बेगम का नाम था, लेकिन सबिया साहबा की बहुत बनती थी और दोनों इकट्ठी रहती थी। 3 बच्चे उनके उनसे हैं और वो अमेरिका शिफ्ट कर गए। सबिया खानुम मौसीकी से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती थी, और आप देखते रहिए सुनो का चैनल जो है, यूट्यूब का जो चैनल है सुनो डिजिटल, और इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे जब जब हम प्रोग्राम करेंगे, और ख़ास तौर पर जब कभी इतने मकबूल लोगों के साथ बात हो रही हो तो आप हमें देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अच्छा जी, मेरे सारे सुनने वालों को मैं बता दूं कि उनकी जो फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, और जो गाने उन पर पिक्चराइज किए गए वो कितना ज़्यादा चले, और आपको हमने बताया सिल्वर जुबली उनकी फिल्मों ने किया, गोल्डन जुबली उनकी फिल्मों ने किया, 5 बार वो बेहतरीन अदाकारा का उनको अवार्ड निगार अवार्ड मिला, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का भी एजाज़ हासिल है। ये सदारती तमका एक अदाकार के लिए, फनकार के लिए बहुत बड़ा होता है, वो भी सबिया खानुम ने हासिल किया। लेकिन उनकी काविश और उनका काम भी तो देखिए ना कितना है। फिल्म मुखड़ा 1958 में एक सुपर हिट फिल्म थी, मुस्कुराहट 59 में, रिश्ता 63 में, हसरत 1958 में। अब हसरत पे मैं इसलिए रुक गई कि इस फिल्म के दौरान उनकी शादी संतोष कुमार साहब से हुई, और ये 1958 की बात है। फिर इशरत, फिर शिकवा, तेरे बगैर 1959 में, और एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म मुसीकार 1962 में, दुल्हन कनीज 1965 में, देवर भाभी 67 में, शाम ढले 1960 में, पाक दामन 1969, अंजुमन 1970, सरफरोश 1956, इंतकाम। हम इतने नाम लेते लेते थक गए हैं, लेकिन आप जानिए कि बहुत बहुत सी फिल्में। फिर हसन तारिक साहब की फिल्म थी तहजीब 1971 में, ये हमने भी देखी है और बहुत मकबूल थी। डायरेक्टर ज़िया सरहदी की फिल्म राहगुजर 1960 में। साथ साथ हम ये भी बताते चले कि ज़िया सरहदी साहब एक बहुत ही मकबूल फिल्म डायरेक्टर थे। आपने आजकल की जनरेशन ने या हमसे ज़रा से इनसे पहले की जनरेशन, उनके बेटे खयाम सरहदी को पाकिस्तान टेलीविजन के बहुत से प्लेस में देखा होगा। बहुत कमाल के अदाकार थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उनकी बेटी भी अभी आ रही है आजकल जो ड्रामे मुख्तलिफ चैनल्स पर हो रहे हैं उसमें। तो ये एक उनके घर के साथ रिवायत हो गई है कि वो लोग इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं, और हमने आपसे फिर कहा कि आप हमारी जो चैनल है सुनो डिजिटल उसको देखिए, अपने कॉमेंट्स उस पर दीजिए, और बताइए कि आपने सभिया की कौन सी फिल्म देखी थी, या सभिया और संतोष की, या कुछ पर्टिकुलर गाना जो उन पर पिक्चराइज हुआ हो और आपको पसंद हो, हमें जरूर बताइए। सुनते रहिए सुनो FM पर, पुराने गाने सुहाने।